गुड एनसी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली भी वीडियोस बनाई हैं, एनएफ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस। बेसिकली जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं न्यूट्रिशन इंडस्ट्री से हूँ, तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज की डेट में। और हमेशा मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में बात कही है कि जहाँ पे मेडिसिन्स गिव अप कर जाती है, वहाँ पे न्यूट्रिशंस अपना रोल प्ले करता है, वो अपना काम दिखाना शुरू करता है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाले हूँ कुछ अगेन ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आईएमसी में ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लॉट मेनी प्रोडक्ट्स। एंड अगेन आई वुड रिपीट वन थिंग कि ब्यूटी इंडस्ट्री वर्ल्ड का 80% मार्केट कैप्चर करता है। तो जितनी भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, बेसिकली ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए बना रही हूँ। कारण ये है कि ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको एक्चुअली जिस मैनर में प्रमोट होना चाहिए, उस मैनर में प्रमोट नहीं होते। प्लस इनकी जानकारी जिस तरह से विस्तार पूर्वक हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। सो इसके लिए हम ब्यूटी मैंने सोचा कि क्यों ना हम ब्यूटी इंडस्ट्री पे बात करें। दोस्तों, आईएमसी की अगर मैं बात करूँ, तो आईएमसी में लगभग आप सभी लोग जानते हैं कि 6 प्रकार के साबुन हैं, सोप्स हैं, वो 6 प्रकार के हैं, जिनमें से आज दो प्रकार के साबुन मैंने लिए हैं जिस पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। वन इज लेमन ग्रास स्किन टोनर, लेमन ग्रास, एंड अनदर इज स्किन टोनर एलोवेरा मिंट। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो साबुन ही है, सोप पे क्या बात करनी है, सोप पे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुल्तानी मिट्टी है, पंचगव्या है, स्किन केयर है, स्किन टोनर है, लेमन ग्रास है, एलोए मिंट है, जितने भी प्रकार के साबुन हैं, सब साबुन का अपना अपना अलग अलग रोल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी आईएमसीएंस अभी तक समझ नहीं पाए कि कौन से साबुन को किस बीमारी में किस प्रकार देना है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं बात करूंगी आज आपसे इन दोनों साबुन पे। आइए शुरुआत करते हैं लेमन ग्रास से। दोस्तों, इस अगर आप साबुन का नाम देखेंगे, तो इसमें नाम कंपनी ने दिया हुआ है लेमन ग्रास। अब इस लेमन ग्रास इंग्रेडिएंट का फायदा क्या है, ये किन किन पेशेंट्स को किस प्रकार से दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन है आप सभी के माइंड में आता होगा। तो आइए मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि लेमन ग्रास का यूज किस तरह से है और कहां कहां दे सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपसे बताऊंगी आपको। सबसे पहले ये एक एंटीसेप्टिक है और मस्कीटो रिपेलेंट है। यानी ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे गांव हैं, या बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे मच्छर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो किसी पेड़, जो बहुत सारी गार्डन वगैरह होते हैं, पेड़ वाली जगह पे रहते हैं, या समुद्र किनारे रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं, या बहुत सारा गार्बेज, यानी घर के पास उनकी गंदगी वगैरह होती है, तो उससे क्या होता है, मस्कीटोज यानी मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं उनके यहाँ। तो ये मस्कीटो रिपेलेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, इवन हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है एक व्यक्ति केवल एक मच्छर के काटने से। सो दोस्तों, लेमन ग्रास की पहली खूबी क्या है कि एक एंटीसेप्टिक है। जैसे नीम होता है ना, नीम वो इंटरनल अगर हम खाते हैं तो एंटीसेप्टिक है, इंटरनल यानी अंदर से एंटीसेप्टिक का काम करता है, लेमन ग्रास बाहर से एंटीसेप्टिक का काम करता है। दूसरा मस्कीटो रिपेलेंट है, यानी मच्छर वगैरह अगर आपको काटते हैं या आपके एरिया में मच्छर है, तो यू शुड यूज दिस सोप। तीसरा फंगल इन्फेक्शंस यानी जितनी भी हमको स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं जो फंगस की वजह से होते हैं, जैसे स्किन के प्राइवेट पार्ट पे या नाखून के ये कॉर्नर वाले हिस्सों पे या कहीं पे भी आपने देखा होगा, ऐसे पैच जैसे हो जाते हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस, आप उन केसेस में लेमन ग्रास दीजिए। इट इज़ वंडरफुल सोर्स फॉर एंटी फंगल, जिसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, इट इज एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियाज यानी हमारी स्किन एक्सपोज रहती है, दिन भर हम खुले में रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो शॉर्ट स्लीव्स वगैरह पहनते हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी हैं ऐसी जो शॉर्ट स्लीव्स वगैरह वेयर करती हैं, तो बैक्टीरियाज जितने हैं वो स्किन पे आके रहते हैं सारा दिन भर, और बहुत कम लोगों की हैबिट होती है कि वो सोने से पहले नहाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो हम क्या करते हैं, वो दिन भर जो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी पे लगे हैं, हम उसी के साथ सो जाते हैं। तो एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया से फिर क्या था, स्किन डेड होनी शुरू होती है, धीरे धीरे स्किन की समस्या बढ़ती है, दैट इज। तो अगर आप लेमन ग्रास यूज करते हैं तो इट इज एंटी बैक्टीरियल एज वेल। अगर आप बेस्ट है अगर आप सोने से पहले इसका यूज करें। लेमन ग्रास की प्रॉपर्टीज होती है कि बैक्टीरियाज को मार देता है, जितने बैक्टीरियाज होते हैं।
नेक्स्ट ग्लोइंग स्किन के लिए अच्छा है। लेमन ग्रास की एक प्लस पॉइंट ये है कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है ये, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स या साइंस स्टूडेंट ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि विटामिन सी जो है वो स्किन का बेसिक नीड है, सबसे जरूरी है जो स्किन के लिए वो विटामिन सी है। तो लेमन ग्रास इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो जब आप इसका जैसे इसको यूज करते हैं ट्वाइस अ डे या दिन में एक बार जब आप नहाते हैं, तो ये स्किन को आपके विटामिन सी प्रोवाइड करता है नेचुरली, तो ये स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है आपके विटामिन सी। तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। साथ में बोल सकते हैं जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो तंबाकू गुटखा या कोई भी निकोटाइन रिलेटेड या स्मोकिंग या अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो उनको गर्मी बहुत होती है और जो उनकी स्वेटिंग है यानी जो पसीना निकलता है तो स्मेली होता है, बहुत स्मेल आती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये डिओडाइजर है, यानी अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो पसीना बहुत निकल रहा है, उसमें ये हेल्प करेगा उनको कि स्वेटिंग ज़्यादा ना हो और साथ में बहुत स्मेल ना आए। तो इट इज़ गुड फॉर दोज पीपल ऑल्सो जो एडिक्टेड हैं किसी चीज़ से। जर्म्स जितने होते हैं दिन भर में हमें जितने जर्म्स लगते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स को अगर आप देखें तो उनका काम होता है कि कई तरह के पेशेंट्स को उनको ऐसे मिलना पड़ता है, उनका हाथों का साफ होना बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर्स ऑल्सो कैन यूज दिस क्योंकि सारे जर्म्स को मार देता है। बड़े बड़े ब्रांड्स हम टीवी में ऐड देखते हैं कि वो जर्म्स किल कर रहा है, हम वॉश करते हुए देखते हैं, आई होप सब लोग गए होंगे। दैट इज अ गुड सोर्स फॉर किलिंग जर्म्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते बस यही कि ये हर टाइप की स्किन के लिए बेनिफिशियल है, यानी अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, हर प्रकार की स्किन वाला इसको यूज कर सकता है। ये एक मेडिसिनल साबुन है दोस्तों, ये कोई ब्यूटी साबुन नहीं है, मेडिसिनल है। आई होप कि आपको लेमन ग्रास के बेनिफिट्स काफी हद तक समझ में आए होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट साबुन की बात करते हैं, मिंट। मिंट नाम से आपको पता चल ही गया होगा, इस पे अगर आप देखें तो उसका नाम है एलोवेरा मिंट सोप। मिंट क्या है हम सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमन है, हम मिंट की चॉकलेट्स खाते हैं, मिंट के साबुन इस्तेमाल करते हैं, मिंट के बहुत सारे फ्लेवर वाले बहुत से हम प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं जो मिंट है, यानी ठंडा लगता है जिससे हमें, दैट इज़ कॉल्ड मिंट बेसिकली। हम यूज़ करते हैं मेंटोस वगैरह हम खाते हैं मिंट वाली, तो दिस इज मिंट बेसिकली। इसकी अगर मैं बात करूँ ये किन पेशेंट्स को देना है, सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या है कि ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को, यानी जिनकी भी स्किन ड्राई है, बहुत रफ रहती है, ठंडियों में अक्सर हम देखते हैं ऐसे करते हैं तो लाइन पड़ जाती है स्किन पे, तो बेसिकली इट इज़ हेल्पफुल फॉर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ड्राई स्किन जो लगती है उसको वाटर प्रोवाइड करेगा तो अच्छी हेल्दी स्किन लगेगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली ऑक्सीजन टू सेल, मिंट का जो काम है वो सेल को ऑक्सीजन देता है, जो स्किन की सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन देगा तो अच्छी हेल्दी रहेंगी। नेक्स्ट इज इसको बोल सकते हैं एलोवेरा इसके अंदर कंटेन है तो हाइड्रेट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया पीएच जो है स्किन का, एक्चुअल पीएच जो होना चाहिए उसको ये बैलेंस करता है। जितने भी लोग हैं जिनकी स्किन का आपको लगता है कि टेक्स्चर कभी भी खराब ही रहता है, कभी पैचेस पड़ते रहता है, कभी इचिंग होती है, कभी खुजली होती रहती है, कभी लाल पैच पड़ जाता है, नॉर्मली हम जब घर पे जाके चेंज करते हैं तो बहुत से लोगों को 5-10 मिनट तक खुजली होती रहती है, रेड 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 हो जाता है, इचिंग होती है। बहुत सी विमेंस ऐसी है जो ज्वेलरी नहीं पहन पाती, ज्वेलरी अगर पहनेगी फिर निकालेगी तो पूरा रेड 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 हो जाता है। तो इन सारे केसेस में उनको अगर हम ये देते हैं तो स्किन का पीएच मेंटेन करता है, ताकि अगर स्किन पे कोई भी चीज़ हम वेयर करते हैं, चाहे घड़ी हो, ज्वेलरी हो, कान का हो, जो भी हम वेयर करते हैं, तो पीएच स्किन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज बेसिकली हेल्पफुल फॉर दैट एज वेल। रफ ड्राई स्किन को मेंटेन करने के लिए आप इस साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मिंट का कंटेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इंसेक्ट्स बाइट्स, यानी अगर कोई कीड़े मकोड़े आपको काट लेते हैं या खटमल वगैरह अगर आपके घर में है या मस्कीटोज है या कोई भी इंसेक्ट अगर आपको काट लेता है, तो उसमें अगर आप एलोवेरा मिंट सोप अगर डेली यूज करते हैं तो उसके इन्फेक्शन, उसके बैक्टीरियाज, उसका जो नुकसान है वो पूरी बॉडी पर नहीं फैलेगा, क्योंकि ये उसको इमिडिएटली स्टॉप कर देगा, स्किन की ड्राइनेस और स्किन की टेक्स्चर को मेंटेन करता है। जाते जाते बस लास्ट एक ये रिड्यूसेस स्ट्रेच मार्क्स। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका ओवरवेट है, आपने देखा होगा ओवरवेट होती है या प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद क्या होता है, स्किन के ऊपर उनके जो है वो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करता है क्योंकि मिंट इज गुड फॉर स्ट्रेच मार्क्स। साथ में जिन जो भी महिलाएं हैं ओबेज है या जो पुरुष है जिनका वजन ज़्यादा है, तो उनके बॉडी पे आप देखेंगे कि मार्क्स पड़ जाते हैं नॉर्मली यहाँ पे, हाथ पे, पेट पे, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, तो इन केसेस में यू कैन गिव दिस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस ये दो साबुन पे हमने बात की है, लेमन ग्रास एंड मिंट। आई होप कि ये दोनों साबुन कहाँ देना है
और विस्तार पूर्वक आपको समझ में आया होगा कि दोनों का काम अलग अलग है। बाकी के आगे जो 6 प्रोडक्ट्स हैं मैं उस पर भी बात करूंगी, जो 6 प्रकार के साबुन हैं एमसी के। फिलहाल आज ये 2 प्रोडक्ट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में इन वीडियोस को फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्या ये यूनिक थी, क्या आपको इसके बारे में पता था, क्या आप जानते थे कि प्रोडक्ट्स को इसी तरह इस्तेमाल करना है, लेमन ग्रास के बेनिफिट, मिंट के बेनिफिट। आपकी रिव्यूज़, आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आप और कौन से प्रोडक्ट्स पर जानकारी मुझसे चाहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग। जितना मेरे पास है मैं उतना आपको देने की कोशिश करूंगी। सो फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, IMCNs को शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में प्रोडक्ट्स का लाभ वो पूरी तरह से उठा सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आफरीन मेमन साइनिंग ऑफ।